नमस्कार, मैं सोनल और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी और जल्दी से तैयार हो जाने वाला नाश्ता। वीकेंड्स पर हम मम्मा को परेशान कर दिया करते थे ये कह कर कि मम्मा कुछ नया बनाओ। फिर मम्मा ने एक दिन ये रेसिपी शेयर करी जो मैं आज आपके साथ कर रही हूँ और हम सभी को ये बहुत पसंद आई। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में थोड़ा बेसन ले लीजिए, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा जीरा डालना है और थोड़ा सा अजवाइन मसल कर डाल लीजिए, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला और थोड़ा मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। आप इसमें अपनी चॉइस का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मम्मा कभी इसमें सांबर मसाला डाल देती थी, कभी पनीर मखनी मसाला डाल देती थी, किसी दिन पोड़ी मसाला और किसी दिन मैगी मसाला, पर सभी कॉम्बिनेशन सरप्राइजिंगली अच्छे ही लगते थे। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी मसाला डाल लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ बैटर बना लीजिए, थोड़ा पतला ही रखिएगा और लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अब ब्रेड स्लाइसेस ले लीजिए और उसके कॉर्नर्स हटा दीजिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, नहीं हटाना चाहते हैं तो मत हटाइएगा। और इसके ऊपर एक साइड पे धनिया और पुदीने की चटनी लगा लीजिए। मुझे ये क्विक ब्रेकफास्ट बहुत ही पसंद है क्योंकि काफी वर्सेटाइल है, आप चाहें तो गार्लिक चटनी भी लगा सकते हैं। आप चीज स्लाइस लगा लीजिए, अपनी चॉइस की सीजनिंग कर लीजिए, जैसे ऑरिगेनो डाल सकते हैं, मैंने इसमें गार्लिक फ्लेक्स डाली है। अब सैंडविच की तरह इन्हें बंद कर लीजिए। एक पैन लेना है और उसमें थोड़ा तेल गरम कर लीजिए। अब जो बेसन का घोल हमने तैयार किया है उसमें जो हमने सैंडविचेस तैयार किए हैं उन्हें अच्छे से डिप कर लीजिए, कॉर्नर से भी डिप करना है, और अब इसे पैन पर रख दीजिए। अब हम इसे इसी तरह से दोनों तरफ से सेकेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। अब सभी सैंडविचेस को इसी तरह से डिप करके सेक लीजिए। मामा इसमें चेंज करने के लिए कभी कभी आलू का मसाला रख देती है, जिसकी वजह से इसमें ब्रेड पकौड़े जैसा फील आता है, और ये उसका हेल्दी वर्जन है क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है, टेस्टी तो है ही और काफी एडिक्टिव भी है। आप मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, ट्रस्ट मी आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपके पास कोई नई आइडियाज हो जो हम इस रेसिपी में ट्राई कर सकते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो इसे अपनी गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ, आप भी जल्दी से बना लो।